नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 9 अक्टूबर 2023, समय 9:12:13 हो रहा है। देखिए, इजराइल और जो गाजा पट्टी हमास वगैरह से लड़ाई चल रहा है, उसके वजह से मार्केट 300 पॉइंट डाउन है। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी 300 पॉइंट डाउन है, निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है, 114 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लेवल पर खुल रहा है। अगर इससे 100 पॉइंट और भी नीचे मिल जाए तो और अच्छी बात है, यानी कि 44,000 जो इम्पोर्टेंट लेवल था बिल्कुल उसके पास में खुल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके 44,000 से लेके 44,800 वाला जो एरिया ना, ये बाय एरिया है, इसके आसपास मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करके चलना होगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर सस्टेन करता है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। और हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि भाई वोलेटिलिटी मिल सकता है, इसके वजह से थोड़ा सा जो है ध्यान में रखेंगे हम लोग। और स्टॉक्स की बात करें, निफ्टी भी इसी तरह से, निफ्टी देखिए 540 के आसपास खुल, बढ़िया बाय एरिया जो है निफ्टी का वो होगा 450 के आसपास। अगर यहाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है। अभी जो ओपन हो रहा है वो 540 पर ओपन हो रहा है, यानी कि ये सारे लाइन हटा देता हूँ तो 540 यहाँ पर कहीं ओपन हो रहा है। ये थोड़ा और नीचे मिल जाए 500 से लेकर 450 तो वहां पर बाइंग एरिया बनेगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे, बस देखेंगे मार्केट क्या रिएक्शन करता है, क्योंकि बड़ा इवेंट है थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, समय लग सकता है ना, तो थोड़ा वेट करके चलेंगे। और स्टॉक्स में जो मूवमेंट है, देखिए एक टॉप गेनर में तेल वाली ONGC आ रही है और एक TCS ITC आ रहा है। लूजर में देखें तो लूजर में अडानी पोर्ट, BPCL, एशियन पेंट, तो पेंट कंपनी तो बोला ही था कि डाउन रहेगा, उसके अलावा मेटल में भी डाउन फॉल है थोड़ा सा, बैंक तो रहेगा ही रहेगा, तो ये सब देखना पड़ेगा, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समय भी 9:13:14 हो गए, 2 सेकंड वेट करते हैं। समय दोस्तों 9:15:43 हुआ है और टाइटन पर फोकस है। टाइटन पर देखिए बैंक निफ्टी 418 पॉइंट आ गया, यानी कि 43,940 पर आ गया है बैंक निफ्टी। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, ये अच्छा लेवल है लेकिन जिस तरह का फॉल है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अभी, है ना, अभी थोड़ा सा हम लोग वेट करके चल सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है, वेट करके देखें। टाइटन ने लो लगा दिया है, अरे वाह, 3253 का लो लगाया इसने, बहुत बढ़िया, वापस 3280 पहुंच गया, 3253, 3250, ये अच्छा है। चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट लेवल पर ये आ गया है और बैंक निफ्टी 880 पर आ गया है। ठीक है, आने देते हैं नीचे, फिर करते हैं कुछ। बैंक निफ्टी आ गया है 43,895, बहुत फॉल है। देखिए ये इम्पोर्टेंट लेवल पर आ गया है, 43,850 वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है। टाइटन में थोड़ा फॉल हो रहा है दोस्तों, टाइटन हालांकि 3250 का एक लो लगाया है। अब हमें यहाँ पर से देखना है टाइटन पर 3200 अभी जो प्राइस चल रहा है टाइटन का, वो चल रहा है आपका 3275, है ना, 3250 या 3240, 3240 का एक पुट जो है टाइटन का 3200, टाइटन 3200 का एक पुट लेने की कोशिश कर रहा हूं।
फिर बैंक निफ्टी पे ही फोकस करें। बैंक निफ्टी भी ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट लेवल के पास है, जो कि सपोर्ट एरिया के पास में 211, ये 230 के ऊपर निकले तो एक मूवमेंट करेगा, अभी फिलहाल नहीं जम रहा है। टाइटन चलिए, अपोलो बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस का क्या चल रहा है? बजाज फाइनेंस का 7,800, कितने का लॉट है? 125 है। एक बजाज फाइनेंस का पुट लिया है मैंने, ठीक है, बजाज फाइनेंस का 7,800 का पुट लिया है, बजाज फाइनेंस का 7,800 का, ये जो सपोर्ट एरिया यहां तक का मैंने पुट लिया है। जरूरी नहीं कि उतना ऊपर आए नीचे आए, हो सकता है ये पहले 8,000 के लेवल को क्लेम करे, तो यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस के 7,800 का एक पुट ले रखा है, एक लॉट है, एक लॉट है, और 125 का लॉट आता है ये, 125 का लॉट आता है, तो मैं यहाँ पर एक लॉट इंक्रीज करूंगा। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, देने दे रहा है कोई बात, तो मैंने एक लॉट बजाज फाइनेंस का 7,800 का पुट रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आज तारीख को क्या है, 9/10/23, और बजाज फाइनेंस का 7,800 का पी लिया है, बाय किया है और 69.60 रुपया पे बाय किया, 69.60 पर, और एक ही लॉट है यानी 125 क्वांटिटी है। चलिए अभी बजाज फाइनेंस ठीक है, कोई ऐसे खराब नहीं दिख रहा है, सेलिंग साइड में है, बढ़िया है। आप लोग भी चाहें तो बजाज फाइनेंस को सेल कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस सेल बिलो 80-60, इसके नीचे आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, और स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा लग जाएगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगता है, 80-90 का रख के चलिए कोई बात नहीं, 80-90 का 30 पॉइंट का पकड़िए पहले, और टारगेट 80-30 से लेके 8,000 तक के टारगेट, पहले ये टारगेट लेंगे छोटा वाला। और टाइटन 3257 आ गया है ना, टाइटन भी ठीक है, इसके नीचे गिरता है पहली कैंडल के नीचे तो कमजोरी तो फील होगा। टाइटन को भी सेल बिलो कर सकते हैं 3250, स्टॉप लॉस 3270 का लेके चलेंगे, टारगेट 3230 से 3210 का लेके चलेंगे फिलहाल। और कुछ नहीं करेंगे, और हमारा जो पोजीशन है बजाज फाइनेंस में 187/12 रुपए का लॉस दिखा रहा है, कोई बात नहीं। बाकी बैंक निफ्टी कहाँ आ गया? बैंक निफ्टी 800 के आसपास आ गया है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का 44,000 का एक छोटा सा कॉल लेके छोड़ता हूँ, हालांकि रिस्क है यहाँ पे, बड़ा रिस्क है, इसीलिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है कि भाई मोमेंट आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये जगह पर है इसलिए अभी यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हमारा बजाज फाइनेंस में पुट एक लिया हुआ है 18.75 रुपये, कोई बात नहीं, 12.50 का प्रॉफिट, 47। देखिए यहाँ पर
लॉट यहाँ पर से रिस्क लेने का है, क्योंकि इम्पोर्टेंट जगह पर तो आ गया, ये इम्पोर्टेंट जगह पर आया है 43,800, ये अच्छा लेवल है 43,800, 43,800 का कॉल ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा रिकवरी अगर मिला तो एक मोमेंट बन जाएगा। 65 800 का सी एभव 265, इसके ऊपर ठीक है, उसके पहले नहीं लेना है। स्टॉप लॉस 230 का भी लेके चलेंगे तो कोई बात नहीं, 295 से 320 सपोर्ट एरिया पर, इसीलिए मैं कॉल की बात कर रहा हूँ। बाकी भी मुझे पुट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि भाई नीचे की तरफ खुला है, और इसीलिए मैं जो है देखिए कॉल लेके बैठा हूँ यहाँ पर। और ये जो 7800 वाला पुट है बजाज फाइनेंस का, उसमें 37 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर से, बजाज फाइनेंस कहाँ गया, बजाज फाइनेंस यहाँ 80-80 का, 80-75 का चल रहा है, लो लगाया था 80-56 का, ठीक है। बजाज फाइनेंस देखिए ये चलता भी है तो 400-500 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसे ही चलता है रैली में, है ना। देखिए 7850 से इसने हाई मार दिया था, 81-82 के आसपास का है ना, तो कितना पॉइंट का रैली किया था इसने, आप देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करें तो इसने 300-350 का मार दिया, देख रहे हैं जबरदस्त का मार दिया। तो ये सब तो हिसाब किताब है, ये चलता भी तो ऐसे ही। मैं 8000 का एक राउंड नंबर का लेवल पकड़ के चल रहा हूँ। अधिक अभी 125-187 आ गया इसमें लॉस, और इसमें 75-83 का प्रॉफिट आ गया कॉल में। कॉल का 151 चल रहा है ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 140, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दूंगा इसमें, और इसको लगा के भूल जाऊंगा। 141, 100 कितना पे लिया है, 46 पर लिया है। तो ये जो पहली ये कैंडल है ना, 140 का मैं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ, 140 रुपया 25 पैसे, ठीक है। एक स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ छोड़ दिया। चलिए देखते हैं क्या चलता है। आप लोगों को भी मैंने दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पर, इसलिए वहां से पुट तो नहीं ले सकते, ये पुट तो नहीं ले सकते, इसलिए मैंने कॉल की बात कहा। और ब्रेकआउट करने का चांस बना रहा है, 265 के ऊपर निकाले तो एक मोमेंट बनेगा 280 से 300 तक। देखिए बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया से, इसलिए मैंने कहा था कि नीचे से यहाँ से मुझे सपोर्ट दिख रहा है तो मैंने वहां से बाय किया। देखिए 258-60 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 280 हो गए, 273 हो गए, 296, 330, 318, 282। अब मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ देता हूँ ताकि इससे मेरा कुछ माइनस नहीं हो। बाउंस कर गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं। 147-147-25 मैंने ना कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया स्टॉप लॉस, उसके ऊपर ही छोड़ दिया, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी 147-146-75 पे खरीदा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 09-10-23 बैंक निफ्टी 44,000 का सी लिया है, बाय किया है 146-75 पर, और एक ही लॉट लिया है। और अब यहाँ से देखें, हम लोग ने 50,000 से शुरू किया था ट्रेडिंग फॉर सैलरी कॉमन मैन, तो 50,000 से जो अभी तक का जो प्रॉफिट बना है वो आप समझिए कितना बना, बन गया है 24,000। 24,000 में जो है प्रॉफिट वो उसमें डाल चुका हूँ, 10 से 14 हज़ार के आसपास में होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया। देखिए ये कितना अच्छा चल रहा है, 365 हो गया, 366 हो गया, होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, और होल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लगभग 14,000 का इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग में, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आराम से प्रॉफिट के पैसे से प्रॉफिट बन रहा है। पेनिसिया 157, एवरेज प्राइस 172 चल रहा है। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा 154 के आसपास, 167 चल रहा है आसपास में। हिंद ऑयल 170 के आसपास है, तो 166 इसमें थोड़ा सा लॉस है, बाकी इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट है जीआईपीसीएल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरऑल इसमें भी प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट 14,050 का है, तो प्रॉफिट 14,586, यानी कि 586 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट है। और यहाँ बैंक निफ्टी देखिए कितना अच्छा मूव किया है ना, और इसने हाई मार दिया, मैंने जो आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिया है 280 का, तो चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो हाई आ गया है, बैंक निफ्टी 43,800 हाई 280 का है। आप चाहें तो बुक सम प्रॉफिट भी कर सकते हैं। देखिए ये सब काम आप लोगों को अपने से करना है, मैं सब कुछ देने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी जब तक लिखता हूँ तो हो सकता है ये पॉइंट कुछ पॉइंट नीचे आ जाए, तो इसलिए आप लोग को अपना भी तैयारी करना है, अपना भी आपको बुकिंग करते रहना है, ध्यान देते रहना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब चीज चाहेंगे कि मैं ही करा दूं तो नहीं हो पाएगा ना, मुश्किल है ना। चलिए वेट करते हैं। बैंक निफ्टी को कॉस्ट टू कॉस्ट तो मैंने कर रखा है 44,000 का कॉल ऑप्शन, इसलिए इसमें मुझे टेंशन नहीं लेना है, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर रखा है तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या ऊपर ही रखा है, 146.75 पे लिया, 147.25 का स्टॉप लॉस रखा है, तो वहां तो मुझे टेंशन ही नहीं लेना है ना। और इसमें मुझे चल रहा है 200 का प्रॉफिट, और जो बजाज फाइनेंस का पुट लिया है उसमें अभी 93 रुपए का लॉस, तो ओवरऑल काट पिट के भी मैं प्रॉफिट में हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये पुट भी बजाज फाइनेंस का देखिए प्रॉफिट में आ गया, ठीक है आएगा। बजाज फाइनेंस जो है 7800 तो नहीं लेकिन 8000 तक आना चाहिए बजाज फाइनेंस को, नीचे की साइड में ये देखिए 8000 तक इसको आना चाहिए, और 8000 तक अगर आ गया तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बजाज फाइनेंस 860-80-90, चलिए। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए वापस से प्रॉफिट आ गया 44,000 वाला में, 227 या 30 का प्रॉफिट, 237। तो अब इसका ना मैं कुछ और पॉइंट ऊपर कर दूंगा, देखिए मैं इसको और स्टॉप लॉस है ना और ऊपर कर लूंगा, यहाँ यहाँ कर लूंगा 153 पे, यानी लॉस नहीं जाएगा, अब किसी भी हाल में मेरा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी हाल में बैंक निफ्टी में मेरा लॉस नहीं हो सकता। चल रहा है ऊपर, और 267 इसके अलावा जो है क्या है, टाइटन को, टाइटन भी दिया था सेल साइड में, हालांकि टाइटन पहले ही कैंडल में 3250 का लो मार गया, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले ही कैंडल, अब जब तक इसके नीचे नहीं आएगा ना तब तक इसमें मूवमेंट नहीं बनेगा। और बैंक निफ्टी देखिए बाउंस करते हुए ऊपर की तरफ में भाग रहा है, भागने दिया जाए, 44,000 43,900 इसने हाई लगा, 43,900 इसके ऊपर निकले तो 44,000 के लेवल को एक बार ये क्लेम कर सकता है, ऐसे चांस ये बना सकता है, इसलिए मैंने उस स्टॉप लॉस को भी ऊपर कर दिया, काफी ऊपर के भाव पे कर दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भी मतलब लगभग लगभग समझिए कि 7 पॉइंट ऊपर है ना, तो उससे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मेरा ओवरऑल लॉस कुछ भी नहीं है, लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि बजाज फाइनेंस में 200 का लॉस दिखा रहा है, और इधर मुझे कॉल में बैंक निफ्टी का 200 रुपए का प्रॉफिट दिया, तो काट पीट के भी प्रॉफिट में ही हूँ, उसमें क्या टेंशन है। 317 हो गए, 336 हो गए, 330 हो गया, 300 हो गया, 294। चलिए दोस्त, तो ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं यहां पर से चलो चलो एक बार चलो चलो इसको 295, 312, 336, 321, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता 167 रुपये पर, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 167 रुपये पर, इसको काट दिया 167 रुपये 25 पैसे पे, तो इसका
आया, कितना पे निकाला ये देख लेता हूँ, 167 रुपये 25 पैसे, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे आ गया 307 रुपये 50 पैसे का, बैंक निफ्टी में मैं निकाल गया। अब मुझे 200-250 रुपये और चाहिए जिससे कि मैं अपना 1% वाला टारगेट कंप्लीट कर लूँ, है ना। तो उसके लिए मैंने टाइटन में वेट कर रहा हूँ, टाइटन कह रहा हूँ ये बजाज फाइनेंस में, टाइटन दिमाग में चल रहा है, बजाज फाइनेंस में वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं बजाज फाइनेंस में मूवमेंट बनता है ऊपर क्या नहीं। और आप लोगों को भी मैंने दिया हुआ है, ये अच्छा लेवल है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक 44,000 के एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 43,900 को तो ब्रेक किया है, इसमें बजाज फाइनेंस में 162 का चल रहा है लॉस। 70 रुपए को अगर ये ब्रेक करता है ना तो फिर एक मूवमेंट फिर करेगा 72 से 75 तक का। 44,000 यहाँ, तो इतना गैप डाउन खुलता है ना तो होता क्या है ना, ये साइडवेज हो जाता है, समझे ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जब गैप डाउन इस तरह से खुल जाए ना तो ये क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम फिर ये आपको फंसा के रखेगा, ऐसे करेगा, ऐसे देखिए ऐसे गिरा ना, अब ये इस तरह से ऐसे ऐसे यहाँ पर ये बैठ के सुस्ताने लग जाएगा, ये स्थिति बनाएगा। और यहाँ पर इस एरिया में आपका प्रीमियम जो है वो माइनस होना शुरू हो जाता है, प्रीमियम जो है माइनस होना शुरू हो जाता है, तो ये एक इशू हो जाता है अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो, इस तरह से आपको चांस बनाता है। तो यहाँ से सबसे अच्छी बात है जो भी प्रॉफिट बन रहा है आपको बुक कर लेना चाहिए। ये हिसाब हो सकता है, तो फिलहाल वेट करते हैं। समय दोस्तों 9:59:54 हुआ है। देखिए बजाज फाइनेंस वाला अभी भी मेरे पास बना हुआ है, मैं थोड़ी देर से इस टर्मिनल पर नहीं था, और इसमें मुझे 37 रुपए का ही प्रॉफिट है। जो मैंने स्टॉप लॉस कहा था कि मैं क्या रख दूं 60-59 के आसपास, मैंने छोड़ दिया वहां पर, और अभी 37 रुपए का प्रॉफिट है, ज्यादा का नहीं है, 37 का है। मुझे 200-300 इसमें से चाहिए तो मेरा काम यहाँ से जो है हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 307 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। हालांकि मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता तो और भी प्रॉफिट बन जाता, हो सकता है इसी में कंप्लीट हो जाता, लेकिन अपना काम है जहां तक मुझे लग रहा था वहां तक मैंने ले लिया। और अब मैं सिर्फ बजाज फाइनेंस में बैठा हुआ हूँ तो मुझे लग रहा है एक अच्छा चांस बजाज फाइनेंस मुझे और ऊपर के साइड में पुट ऑप्शन नीचे आना, पुट नीचे आना चाहिए, मतलब सॉरी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर से एकदम रिजेक्शन लिया, जो 44,000 का मैंने रेजिस्टेंस कहा था आप लोगों को कि 44,000 एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, तो वो उसी तरह से बन रहा है। और ये भी अभी नीचे आने की कोशिश किया है बजाज फाइनेंस, 8076 का लो इसने इस कैंडल ने लगाया, इसके नीचे मुझे 8,000 तक के लेवल, 8,020 तक के ये लेवल मुझे दो यहाँ तक आने चाहिए, और देखते हैं थोड़ा टाइम लगा सकता है, ये हो सकता है ये 8,040 वाला जो ये एरिया ना यहाँ तक भी ये आके रुक सकता है। तो मैं यहाँ पर ही अगर आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आराम से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो 175 का है लॉस है, तो देखते हैं बजाज फाइनेंस में थोड़ा टाइम लेंगे, और अगर ज्यादा लॉस होने लग जाएगा, मतलब अगर मेरा 200-250 का लॉस हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट काट करके, तो मैं एग्जिट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वेट करते हैं। दोस्तों समय हो गया 10:04 और यहाँ पे 287 रुपए का प्रॉफिट हो गया है बजाज फाइनेंस में। और मैंने एक छोटा सा ना दोस्तों क्या बताऊं, 43,900 का एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा पुट ले रखा था, इसमें भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 178 रुपए 45 पैसे पे मैंने लिया है, और इसको 193.50 पर मैं एग्जिट कर गया, ठीक है, 178.45 पर 09:10:23 बैंक निफ्टी का 43,900 का पुट लिया था, बाय किया था, इसका मैं बाइंग प्राइस देख लूं,
178.45 पर लिया था और एग्जिट कर गया 193.70 रुपये पे। इसमें जो प्रॉफिट हुआ है मुझे मात्र 228 रुपये का। तो ऐसे तो कंप्लीट हो गया, देखिए 3,500 का हो गया है ना। अभी मैं टिका हुआ हूँ सिर्फ बजाज फाइनेंस पर। तो बजाज फाइनेंस का जो हिसाब किताब चल रहा है, रानी पोर्ट हटाइए और बजाज फाइनेंस, ये चल रहा है 112 का लॉस। देखिए 287 से, अच्छा वापस 287 हो गया। अभी 112 का मोबाइल में देख रहा था, 187 का 112 का लॉस दिख रहा था, अब 287 का वापस प्रॉफिट हो गया। तो अभी देखते हैं, देखिए 175 हो गया। अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है आज देना चाहिए। और बैंक निफ्टी 44,000 का जो मैंने रेजिस्टेंस बोला, देखिए बिल्कुल वहीं से अब इसका रेजिस्टेंस वही बन चुका है 44,000। इसके ऊपर जाने के बाद ही तेजी बनेगा, अदरवाइज आज मार्केट इसी तरह से एक रेंज में नीचे वापस से 43,800-850 क्लेम कर सकता है। इस तरह से ये काम करता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल बजाज फाइनेंस चार्ट पे मैं नजर रखू, बजाज फाइनेंस क्या चल रहा है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है 882 आना चाहिए, नीचे की साइड में आना चाहिए इसको, 858-60 ये सब आ सकता है नीचे। वेट करना होगा थोड़ा और देखते हैं टाइम कितना लगता है नहीं लगता है। 44,000 अब मेन हर्डल है, इसके ऊपर टिकेगा तो ही बैंक निफ्टी में तेजी आएगा, अदरवाइज तेजी आने के चांस कम है। मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हो गया ना, डर हो गया ना इसके वजह से, है ना। तो चलिए अभी पॉज करता हूँ दोस्तों। काफी देर के बाद देखिए समय हो गया है, पहले देख लीजिए 11:36, तो बजाज फाइनेंस ने पुट ऑप्शन में प्रॉफिट दे रहा है। मैंने एक लोट नीचे आने पर और एड कर दिया था, एवरेज प्राइस 66.30 रुपये हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बजाज फाइनेंस 250 क्वांटिटी 66.30 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस हो गया, ठीक है। और यहाँ से 600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अभी देखिए 387 हो गया। तो वापस से मैं यहाँ पर एक टारगेट लगा देता हूँ, 67 के आसपास का एक टारगेट मैं लगा देता हूँ, 69 का एक टारगेट मैं लगा देता हूँ। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि मेरा 600 का तब प्रॉफिट बन जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा तब अपना काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक टारगेट से मैंने लगा रखा है, ऊपर एक टारगेट 70 के आसपास भी कर सकता हूँ। मुझे मूवमेंट डाउनफॉल तो लग रहा है लेकिन बहुत अच्छे से होल्ड भी कर रहा है। तो 69.85 रुपये में मैंने एक टारगेट अभी लगा रखा है बजाज फाइनेंस में, देखते हैं क्या ये बजाज फाइनेंस और नीचे, क्यों देखिए एक ही जगह से ये बार बार ना सेम जगह से, आप देखिए ये सेम जगह से ये रिजेक्शन लेता है, सेम जगह से ऊपर की साइड, ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये ब्रेक करेगा ना तो यहाँ 8050 तक, यानी कि 8070 के नीचे आने पर, 8070 के नीचे आने पर ये 8050 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पर ये बार बार होल्ड कर रहा है, इसके नीचे आया तो 8050 तक आराम से आ जाएगा, फिर मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो टारगेट मैंने लगा रखे, अभी देखते हैं क्या ये और नीचे आ पाता है। अगर आ गया 8070 के नीचे तो ये फिर समझिए कि 8050 तक के भी लेवल, जो वापस अपना लेवल है ना ये 60 वाला, ये वाला जो रेंज है यहाँ तक ये क्लेम करे, लेकिन इसी जगह से ये बार बार बाउंस करता है, देख रहे हैं इसी जगह से बाउंस करता है। ये थोड़ा सा कॉशस होना है, थोड़ा सा सावधान हो जाना है हम लोगों को, बाकी कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी उसी रेंज में है, जैसा कि मैंने कहा कि गैप अप होने पर, गैप डाउन होने पर इस तरह से ऊपर नीचे करता रहेगा, एक रेंज फंस के तो इसका काम फिनिश हो गया, इसमें कुछ करना है नहीं। बस बजाज फाइनेंस पर हम लोग ध्यान लगा के रखे हैं और ये बजाज फाइनेंस नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या। 537 का प्रॉफिट हो गया, 537 हो चुका है। तो चलिए अभी वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर से मेरा प्रॉफिट और कितना बनता है। सर ये टारगेट आ जाएगा 69.85 जो लगा रखा है, मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए मुझे, ये इसी जगह से होल्ड, एक बार और नीचे लो मारेगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस इस कैंडल ने 8071.50 का लो मारा है, मुझे 8070 के नीचे का क्लोजिंग चाहिए, तो 8050-60 आराम से आ जाएगा और मुझे लग रहा है दे देगा नीचे की साइड में। प्रेशर तो है और इस हिसाब से ये 450 का प्रॉफिट भी दिखा रहा है। चलिए देखते हैं ये प्रेशर नीचे होल्ड कर पाता है क्या नहीं। बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट एरिया से बाउंस किया, जो एरिया था उसका बिल्कुल वहीं से बाउंस किया है, 43,800 वाला जो एरिया था। अभी मुझे सिर्फ बजाज फाइनेंस इसे अब निकलना है, समय बहुत हो गया, मैं इतना देर बैठता नहीं हूँ, मैं निकल जाता हूँ तुरंत से, बस मुझे इसका
ये टारगेट डन हो गया, आ गया आ गया आ गया, गया टारगेट, ये भी मार गया। यहाँ पे मैसेज आया ना ऊपर में, कुछ मैसेज आया था, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा नहीं होगा इसका टारगेट तो, चलिए वेट करते हैं देखते हैं। वेट करके चलेंगे, अभी 387 चल रहा है। या ऑर्डर टारगेट डन गया बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का टारगेट 887 रुपया या 69.85 का हायर लग गया दोस्तों। तो मैं निकल गया 69.85 पे, ठीक है, मैं 69.85 पे निकल गया, 69.85 पे प्रॉफिट जो मुझे बना 887.50 का बन गया, और इसमें भी मैंने एक लॉट लिया हुआ था ना। चलिए तो अब आज का लगभग जो है काट पीट के हमारे पास हो गया 1400, यानी 400 ब्रोकरेज चल जाएगा, तो 1000 रुपये का बन गया। तो ये 1% वाला अपना काम, ट्रेडिंग फॉर सैलरी 1% वाला अपना काम हो गया दोस्तों, आज भी अपना काम फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।